हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो रहेगा मैथ्स के रिगार्डिंग और मैथ्स में भी क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर के। रियल नंबर से अपन डील करेंगे। रियल नंबर अभी तक जो तुम लोगों ने पढ़ रखा है उससे थोड़ा सा ये एडवांस रहेगा। इसमें एक दो आपका थ्योरम्स एल्गोरिदम्स वगैरह आएंगे, तो उनके साथ अपन डील करेंगे। कोशिश यही रहेगी कि इस चैप्टर को अपन 5 to 6 वीडियोस में कवर कर पाएँ, और इस तरीके से कवर करेंगे कि तुम्हारी हर एक डाउट है वो सॉल्व हो जाए ना, हर कोई भी डाउट ना रहे। उसके लिए कोशिश ये रहेगी कि थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकल बैलेंस लेते हुए अपन चलेंगे इस चीज़ को। और जहाँ जहाँ मुझे छोटी छोटी चीज़ें बतानी होगी वो मैं मेंशन करता रहूँगा, ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत फील ना हो। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहे थ्योरेटिकली और न्यूमेरिकली, आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपकी हर एक डाउट का सॉल्यूशन आप तक पहुंचे। इस चैप्टर को डील करेंगे अपन इस तरीके से कि आपको ये दिक्कत ना हो कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अपन किस अप्रोच के साथ जाएं, है ना। उसके लिए अपना एम यही रहेगा कि क्वेश्चन इसी तरीके से उठाएंगे एक सिक्वेंस में, कि आपका धीरे धीरे वो डाउट अपने आप ही क्लियर होता चला जाएगा। आपको आइडिया स्ट्राइक होना स्टार्ट हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मेरे को अच्छा ये अप्रोच लेके जाना रहेगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन मेरे को ये पूछ रहा है तो मेरे को इस तरीके से इसको डील करना चाहिए। ये सब चीज़ें धीरे धीरे हो जाएंगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपका ये चैप्टर ईजिली क्लियर हो जाएगा। अब रियल नंबर चल रहा है, तो अभी तक जो भी 6 to 9th आपने जो पढ़ा है उसको मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, बिकॉज 6 to 9th क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो उतना सीरियसली नहीं लेते, 10th क्लास में आके वो सीरियस हो जाते हैं कि अभी बोर्ड भी है ना। तो उसके लिए मैं एक डील कर लेता हूँ नंबर सिस्टम के साथ जल्दी जल्दी से, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि अच्छा ये सब चीज़ें भी रहती थी पहले। उसमें पहला है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर की अपने को क्यों ज़रूरत पड़ी? नेचुरल नंबर अपने को हेल्प करता है किसमें? काउंटिंग में। और इसको एक्चुअल में डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से। अब काउंटिंग में किस किस की ज़रूरत होती है आपको? 1, 2, 3, 4 अप टू इनफाइनाइट। ये इनफाइनाइट है। इन्फिनिटी क्या रिप्रेजेंट करता है? एक बहुत बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो मैथ्स में अपन ये बहुत बड़ा नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्फाइनाइट का यूज कर लेते हैं। एक्चुअल में ये अनडिफाइंड होता है। अनडिफाइंड इसलिए है बिकॉज अपने को ये एक्चुअल में आइडिया नहीं होता कि ये बड़ा नंबर कौन सा बड़ा नंबर है ना। तो ऐसा ही एक आपका चैप्टर रहता है, आगे जाके आप 11th पढ़ोगे लिमिट, जिसमें आपको इस टाइप के और भी बहुत सारे केसेस देखने को मिलेंगे। तो अभी के लिए याद रखो कि ये इनफाइनाइट है और ये एक्चुअल में क्या है? अनडिफाइंड काइंड ऑफ टर्म्स है। तो नेचुरल नंबर ये हो गए। होल नंबर, होल नंबर क्या रहते हैं कि अगर मैं नेचुरल नंबर में 0 भी ऐड कर दूं तो वो मेरा क्या बन जाता है? होल नंबर बन जाता है। इसको डिनोट किससे करते हैं? कैपिटल W से। ये आपका हुआ होल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ऐसा लिख सकते हो आप कि 0 प्लस नेचुरल नंबर होल नंबर होगा। नेक्स्ट इज इंटीजर। इंटीजर नंबर्स को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे? आई से। और ये एक्चुअल में क्या होते हैं? जो भी होल नंबर है ना उसके पीछे अगर आप नेगेटिव साइन पुट कर दो तो वो आपका क्या बन जाएगा? नेगेटिव साइन प्लस होल नंबर, ये आपका क्या बन जाएगा? इंटीजर। अब आपको पता है कि अगर मैं बोलूँ आपको कि 4 है और एक नंबर है 3 और 4, आपको पता है कि 4 बड़ा है, बट अगर मैं नेगेटिव साइन पुट करूँ तो कौन सा बड़ा बनेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 है 3 और 1 है 4, आपको पता है कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, बट दोनों के पीछे अगर मैं नेगेटिव साइन पुट कर दूं तो अब कौन सा बड़ा बन गया? -3 बड़ा बन गया, है ना। ऐसे ही इन्फिनिटी एक बहुत बड़ा नंबर है, इसके पीछे अगर नेगेटिव पुट कर दूं तो वो कहाँ आएगा? इस साइड, बहुत छोटा बन गया ना। ऐसे ही आपका 3 के पीछे -3, 2 के पीछे -2, -1, 0, वापस 1, 2, 3 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर होते हैं ना वो आपके क्या हैं? इंटीजर्स है। दैट मीन्स होल नंबर, और सारे होल नंबर का नेगेटिव आपका क्या बन गया? इंटीजर। और इसको अपन थोड़ा सा कैटेगराइज कर लेते हैं ना,
इसमें रहता है आपका पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन से होते हैं, उसको अपन डिनोट करते हैं आई प्लस से, और वो ये होते हैं आपके 1, 2, 3 अप टू इनफाइनाइट। और ये एक्चुअल में क्या है आपका, ये एक्चुअल में आपका क्या है, नेचुरल नंबर ही तो है। नेगेटिव इंटीजर्स ये इनको डिनोट करते हैं अपन आई माइनस से, और ये आपके रहते हैं माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होके -3, -2, -1 तक। ठीक है, दैट मीन्स नेगेटिव नंबर का नेगेटिव हो गया। एक टर्म अब ये रहता है नॉन नेगेटिव। बहुत सारे बच्चों को इसमें डाउट रहता है नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं। खुद सोच के देखो, वर्ड ही बोल रहा है कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्या होगा, वो पॉजिटिव पॉजिटिव होगा। तो इस केस में आपका जीरो भी इंक्लूड होता है अप टू इनफाइनाइट। एक्चुअल में क्या बन गया, नॉन नेगेटिव नंबर कौन से होते हैं, सारे के सारे होल नंबर ही नॉन नेगेटिव नंबर होते हैं। एक और टर्मिनोलॉजी होता है, वो है नॉन पॉजिटिव। अब क्या बोल रहा है ये कि पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा तो कहाँ से स्टार्ट होगा, माइनस इनफाइनाइट से, -3, -2, -1 और 0। तो आप देख रहे हो 0 इस केस में आपका नॉन नेगेटिव भी आ रहा है, नॉन पॉजिटिव भी आ रहा है, 0 दोनों में ही आ रहा है। तो ये टर्मिनोलॉजी जरूर ध्यान में रखना, इसमें बच्चों को डाउट रहता है कि नॉन नेगेटिव और पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, दोनों ही पॉजिटिव है बट पॉजिटिव में 0 नहीं आता, नॉन नेगेटिव में 0 आता है। नेगेटिव इंटीजर और नॉन पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, नेगेटिव इंटीजर में 0 नहीं आता बट कि नॉन पॉजिटिव में 0 आ जाता है ना। तो ये रहा बेसिक इंटीजर्स के बारे में। अब नेक्स्ट रहता है वो है आपका इवन नंबर, इसी के रिगार्डिंग है ना। इवन नंबर क्या होते हैं, सारे के सारे ऐसे नंबर जो आपके क्या हो, मल्टीपल ऑफ 2 हो, वो आपके क्या होते हैं, इवन नंबर। सो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इंटीजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन नंबर। जैसे मैं लिख दूँ 2, क्या 2 से डिविजिबल है, 4 है, 6 है, ऐसे ही चलता रहेगा। 100 लिख दूँ डिविजिबल है, ऐसे ही बहुत बड़े नंबर को मैं रिप्रेजेंट कर दिया इन्फिनिटी से। बट इसमें ये भी देखो, क्या -2 डिविजिबल बाय 2 है, ऑब्वियस सी बात है, -4 भी है, -6 भी है, ऐसे ही मैं लिखता रहूँ -100 और -∞, ये सारे के सारे क्या हैं, डिविजिबल बाई 2। अब इसमें देखो एक जनरल नोटेशन रहता है इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का, वो आपका क्या है, इवन नंबर को जनरली अपन रिप्रेजेंट करते हैं 2n से, और यहाँ पे आपका n क्या होता है, n इज एन इंटीजर। कहने का ये मतलब है कि n की जगह अगर मैं 1 रखूँ तो 2 × 1 2 बनेगा, 2 × 2 4, 2 × 3 6, ऐसे ही बनेगा है ना। n की जगह अगर मैं माइनस में रखूँ तो 2 × −1 −2 −4 −6। ये जो लिखा है ना मैंने 2n, ये इसको बोलते हैं जनरलाइज करना। जनरलाइज मतलब कि आप बहुत सारे टर्म्स हैं उनको लिखने की बजाय आप एक ही टर्म में उनको रिप्रेजेंट कर दो, उसको बोलते हैं जनरलाइजेशन। ये एक्चुअल में वैसा ही है कि एक प्रॉपर्टी की तरह बिहेव करता है ये। तो इवन नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है कि वो 2n की तरह रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ये समझ में आया, ये आपका हुआ इवन नंबर। नेक्स्ट इज आपका ओड नंबर। ओड नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं है, वो आपके क्या होंगे, ओड नंबर, लाइक 1, 3, 5, 7, ऐसे ही है ना। सिमिलरली -1, -3, -5, -7, ऐसे लिख दूँ, -99, -∞ और ये अप टू इनफाइनाइट। इनको जनरलाइज करने का क्या तरीका होता है, 2n + 1।
यहाँ पे भी आपका एन क्या है, इंटीजर है, ठीक है। एन क्या है कि इंटीजर है, रख के देख लो। एन की जगह जीरो रखोगे क्या आएगा, वन बन जाएगा। टू इंटू जीरो जीरो, जीरो प्लस वन वन बन गया। एन की जगह वन रखोगे टू इंटू वन टू, टू प्लस वन थ्री, ये हो गया आपका ओड नंबर। अब सोच के देखो, जीरो है, जीरो क्या होगा, ओड होगा कि इवन होगा। जीरो इससे आएगा नहीं, बट इससे जीरो आ सकता है। टू इंटू एन इंटीजर, इंटीजर एन जीरो, इंटीजर में देखो जीरो भी आता है, ऊपर लिखा है मैंने। दैट मीन्स इवन नंबर में क्या आएगा, जीरो आएगा आपका। तो ये चीज़ भी याद रखना। तो ये हुआ बेसिकली इंटीजर्स के बारे में आइडिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग में पुट कर देता हूँ, वह है आपकी